हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ जो कि ऐसी एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है जो कि अप्रेंटिसशिप को एंगेजमेंट करती है, जो NAPS पोर्टल के माध्यम से कैंडिडेट्स को जो स्टाइपेंड का भुगतान करती है। जैसा कि दोस्तों सभी एस्टेब्लिशमेंट को पता होगा कि जब वो अप्रेंटिस से इंगेजमेंट करती है तो उन्हें अप्रेंटिस एक्ट के अनुसार जो अप्रेंटिसेज है उनको स्टाइपेंड का हर महीने भुगतान किया जाता है। दोस्तों, पहले जो भुगतान की प्रक्रिया थी जुलाई 2022 से, पहले वो मैनुअल भी थी और ऑनलाइन भी थी। उस समय क्या होता था कि एस्टेब्लिशमेंट को सारा पेमेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट खुद करती थी, उसके बाद जो 25% हिस्सा होता था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो मैनुअल बिल बना के भेजने होते थे, उसके बाद वो क्लेम पास होता था। लेकिन दोस्तों, जुलाई 2022 से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एक नई स्कीम का लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र। दोस्तों, इस स्कीम को कुछ चुनिंदा एस्टेब्लिशमेंट में लागू किया गया था प्रैक्टिकल के तौर पे। इसमें सिस्टम यह था कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जो टोटल स्टाइपेंड की अमाउंट है उसका 75% हिस्सा है वो एस्टेब्लिशमेंट पेड करेगी, और जो 25% हिस्सा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कैंडिडेट के बैंक अकाउंट में पेड करेगी। इसमें जो कैंडिडेट थी उसकी KYC होनी कम्प्लीट थी, इसके साथ ही जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनके उनके भी जो पोर्टल था वो GST नंबर या जो पैन कार्ड नंबर से लिंक होना ज़रूरी होता था। इसमें यह सुविधा की गई कि जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ 75% हिस्सा है वो पेमेंट करेगी, और जैसे एस्टेब्लिशमेंट का पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पेमेंट है, जो शेयर है 25%, जो मैक्सिमम 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, वो कैंडिडेट के बैंक अकाउंट में सीधे ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद में भी कई जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने DBT का चयन किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ ने पूरा पेमेंट कर दिया, और कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनको पूरा पेमेंट नहीं हुआ, यानी 25% एस्टेब्लिशमेंट ने पेमेंट काट लिया लेकिन उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर नहीं मिला। कुछ एस्टेब्लिशमेंट इन ऐसी भी है जिन्होंने पूरा पेमेंट कैंडिडेट्स को कर दिया और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर था 25% वो भी कैंडिडेट्स को प्राप्त हो गया, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो कॉन्टैक्ट थे वो DBT या नॉन DBT में कन्वर्ट नहीं किए। तो उन्होंने अभी रिसेंटली जो MHDA है उसने एक नई अपडेट जारी की है जो कि एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जून 2023 तक, 30 जून 2023 तक भले ही किसी भी प्रकार से पेमेंट किया हो, चाहे वो DBT के थ्रू किया है, चाहे नॉन DBT के थ्रू किया है, चाहे कैंडिडेट को पेमेंट मिला है चाहे नहीं मिला है, उन सभी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक कॉमन गाइडलाइन जारी की गई है जिसकी पालना करने सभी एस्टेब्लिशमेंट को जरूरी है, भले वो प्राइवेट सेक्टर की हो, गवर्नमेंट सेक्टर की है, सेमी गवर्नमेंट है, ऑटोनोमस बॉडी है, या PSU कोई अंडरटेकिंग है। तो उनको यदि अब जो उन्होंने पेमेंट कर दिया 30 जून तक, उसका जो क्लेम है, पहले तो मैनुअल क्लेम मिलता था लेकिन जब से जुलाई 2022 के बाद जो ये DBT लागू हुई इसके बाद ऑनलाइन क्लेम की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन वो क्लेम अभी मिला नहीं है। तो इस क्लेम के लिए एक डेट निर्धारित कर दी, एक नई गाइडलाइन जारी की गई है कि एस्टेब्लिशमेंट ये पेमेंट है किस प्रकार से प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, इस पेमेंट की जो डेडलाइन रखी गई है 30 सितंबर 2023 रखी गई, यानी 30 जून 2023 तक का जो पेमेंट है स्टाइपेंड का, रिम्बर्समेंट का, वो एस्टेब्लिशमेंट है वो 30 सितंबर 2023 तक इसका जो ऑनलाइन बिल है, जो क्लेम है, वो NAPS पोर्टल के माध्यम से सबमिट कर सकती है। इस डेट के बाद में यदि वो बिल या जो क्लेम है वो सबमिट करने में असफल रहती है तो उसे इस अवधि का कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। और दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, 1 जुलाई 2023 के बाद किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को, चाहे वो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करती है, उनको जो क्लेम रिम्बर्समेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। 1 जुलाई 2023 से DBT है वो पेन इंडिया में रोल आउट कर दिया गया, यानी सारी इंडिया की जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है उन सभी में लागू कर दिया गया। इसके बाद में जो भी पेमेंट होगा वो DBT के थ्रू ही होगा। कैंडिडेट का जो 25% हिस्सा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पेड करेगी, और जो 75% हिस्सा है वो एस्टेब्लिशमेंट को पेड करना होगा। इसके लिए उन्हें NAPS पोर्टल पे पेमेंट की सुविधा मिल जाएगी, जहाँ पे उनका जो पेमेंट है, टोटल स्टाइपेंड है, वो दो भागों में बढ़ जाएगा, GY का जो हिस्सा है वो, और जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है वो। इसके बाद भी यदि कोई एस्टेब्लिशमेंट DBT के नियमों की पालना नहीं करती है तो उन्हें कोई क्लेम का रिम्बर्समेंट यहाँ नहीं मिलने वाला है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे
वो पीएसयू सेक्टर या ऑटोनोमस बॉडी है जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, उनको डीबीटी का लाभ नहीं मिलेगा, यानी उन्हें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो उनको तो पूरा पेमेंट ही अपने कैंडिडेट्स को करना होगा। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के एस्टेब्लिशमेंट है, छोटे एस्टेब्लिशमेंट है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए डीबीटी का चयन करना ज़रूरी है, ताकि उन्हें जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो मिलता रहे एनएपीएस के माध्यम से। उन्हें 25% है वो उनकी बचत होती रहे। तो दोस्तों अभी से जो गाइडलाइन जारी की है ये आपको मैं बता देता हूँ, उस गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है और किस प्रकार से जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको ये कंप्लायंस करनी ज़रूरी होगी। दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी सूचनाएँ वीडियो अपलोड होती मिलती रहे। बेल आइकन पर क्लिक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों अप्रेंटिस इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल पर जैसे अपन चलेंगे तो यहाँ पे ऊपर जो ब्रेकिंग हेडिंग चल रही है उसमें दिया हुआ है ऑनलाइन क्लेम है वो 30 सितंबर 2023 तक ही एक्सेप्ट किया जाएगा। यहीं पे एक जो स्टेक होल्डर्स है उनके लिए डीबीटी को लेकर गाइडलाइन दी हुई है, जिसको डाउनलोड करके अभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ये वो ऑफिस मेमोरेंडम है जो कि एमएससीडी के द्वारा जारी किया गया है, अप्रेंटिस ट्रेडिंग डिवीजन, जो कि नई दिल्ली के द्वारा 1/9/2023 को जारी किया गया। इसका सब्जेक्ट दिया हुआ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी अंडर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम एनएपीएस रजिस्टर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 अक्टूबर 2023 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था जो कि डीबीटी से रिलेटेड था। अभी जो ऑल इंडिया है उसके अंदर जो एनएपीएस के अंडर में जो डीबीटी स्कीम है वो लॉन्च कर दी गई है, जिसको लागू करने के लिए 11/8/2023 को एक इवेंट रखा गया था जो कि 1 जुलाई 2023 से लागू होगी। जो जितने भी नए कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी एनएपीएस के थ्रू साइन होंगे उनके लिए डीबीटी की गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई। अब यहाँ पे 3 नंबर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द पायलट डीबीटी पीरियड, यानी 1 जुलाई 2022 से जो डीबीटी थी वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट की गई थी। तो डीबीटी क्लेम है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, डीबीटी क्लेम्स दैट वर रिसीव्ड फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट हैव बीन प्रोसेस्ड एंड द प्रोपोर्शनेट गवर्नमेंट इंडिया से नॉट एक्सीडिंग ₹1500 पर अप्रेंटिस पर मंथ वाज ट्रांसफर डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ अप्रेंटिस, यानी जिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो क्लेम है वो रिसीव्ड हुआ था उसका जो गवर्नमेंट का ऑफिस हिस्सा था ₹1500 अधिकतम 25% वो पर मंथ है वो कैंडिडेट के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट है ट्रांसफर कर दिया गया था। अब जो डीबीटी जो पायलट डीबीटी है वो पूर्ण हो चुकी है, इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट को अब कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दी जा रही है ताकि वो इसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सके। अब पॉइंट नंबर 1 की अपन बात करें, एक की बात करें तो यहाँ लिखा है फॉर दूज अप्रेंटिस, उन कैंडिडेट्स अप्रेंटिस के लिए जिन्हें अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है स्टाइपेंड का वो जो डीबीटी जो पायलट डीबीटी पीरियड था उसके दौरान यदि डीबीटी के तहत उनको उनका हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ है और जो एस्टेब्लिश तो उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है उसका भुगतान है वो करना होगा। उसके बाद में जो क्लेम है वो अप्रेंटिस पोर्टल के माध्यम से रिम्बर्समेंट के लिए सबमिट करना होगा। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कैंडिडेट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो एस्टेब्लिशमेंट भी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यानी डीबीटी 1 जुलाई 2022 जब डीबीटी पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था उसके बाद से लेकर जून 2023 तक यदि जिन कैंडिडेट्स हैं उनको जो गवर्नमेंट का शेयर का हिस्सा नहीं मिला है, एस्टेब्लिशमेंट ने काट के पेमेंट किया लेकिन अप्रेंटिस को उसका पेमेंट नहीं मिला है तो वो पेमेंट है एस्टेब्लिशमेंट को ही करना होगा। उसके बाद में एनएपीएस पोर्टल के थ्रू जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको उसका क्लेम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगना होगा ताकि वो उसका पोर्टल के माध्यम से रिम्बर्समेंट हो सके। कई कैंडिडेट्स की ऐसी शिकायतें आती हैं कि उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोपोर्शनेट जो हिस्सा है वो नहीं मिल रहा है, तो अभी उनके लिए ये एक अच्छी खबर है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वहीं वो ₹1500 के हिसाब से उनका पेमेंट करेगी। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट है वो उसका क्लेम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कर सकती है। 2 नंबर का है फॉर अप्रेंटिस, उन अप्रेंटिस के लिए फॉर होम गवर्नमेंट शेयर हैज बीन रिलीज ड्यूरिंग द डीबीटी पायलट प्रोजेक्ट, नो क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट विल बी एक्सेप्टेड, यानी जिन कैंडिडेट्स का जो शेयर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी कर दिया गया है
डीबीटी पायलट प्रीपीरियड के अंदर में, तो इससे किसी भी प्रकार के क्लेम का रिम्बर्समेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने पेमेंट काट के किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसका पेमेंट कर दिया है, तो ऐसा क्लेम हो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट इस प्रकार का क्लेम नहीं कर सकती, सिर्फ वही क्लेम कर सकती है जिसका पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया है, उसका पेमेंट करके एस्टेब्लिशमेंट है वो क्लेम कर सकती है। फिर यहाँ पे चार नंबर का फिर पॉइंट दिया हुआ है, फॉर दोज अप्रेंटिसेस हु वर नॉट पार्ट ऑफ डीबीटी पायलट, यानी ऐसे कैंडिडेट जो कि डीबीटी पायलट के थ्रू डीबीटी जो पायलट पीरियड था उसमें पार्ट नहीं थे, एंड फॉर होम एस्टेब्लिशमेंट हैव पेड द स्टाइपेंड इन फुल, और जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने फुल पेमेंट किया है वो एस्टेब्लिशमेंट भी है अपना क्लेम है वो NAPS पोर्टल के थ्रू रिम्बर्समेंट के लिए सबमिट कर सकती है। इसका मतलब ये है कि जिन एस्टेब्लिशमेंट ने बिना DBT का लाभ दिए पूरा पेमेंट किया है, 100% पेमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, तो वो क्लेम है एस्टेब्लिशमेंट है वो 30 जून 2023 तक का जो क्लेम है वो अभी NAPS पोर्टल के माध्यम से सबमिट कर सकती है। दो जिस इस प्रकार के जो क्लेम है वो सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2023 रहनी, 30 सितंबर 2023 तक ही कैंडिडेट्स को के जो स्टाइपेंड का पेमेंट का जो क्लेम है वो एस्टेब्लिशमेंट को NAPS पोर्टल के थ्रू करना जरूरी होगा। छः नंबर का पॉइंट दिया, ऑल एस्टेब्लिशमेंट कवर अंडर NAPS शुड इंश्योर टू सबमिट देयर क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट फॉर द पीरियड अप टू जून 2023 लेटेस्ट बाई 30 सितंबर 2023, बियॉन्ड दिस डेट नो क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट विल बी एंटरटेन। यानी सभी एस्टेब्लिशमेंट जो NAPS के अंडर में कवर करती है उनको 30 सितंबर 2023 तक जून 2023 तक के बिल है वो सबमिट करने जरूरी है, उसके बाद में यदि कोई क्लेम बच जाता है तो उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अतः ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है सारे एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि यदि उनके कोई बिल पेंडिंग पड़े हैं 30 जून 2023 तक तो वो ऑनलाइन इसका सबमिट कर दे 30 सितंबर 2023 से, उसके बाद में कोई विचार नहीं किया जाएगा। भले एस्टेब्लिशमेंट ने पेमेंट है वो DBT के थ्रू किया है या नॉन DBT के थ्रू किया, यदि गवर्नमेंट का शेयर कैंडिडेट को नहीं मिला है या जो पूरा पेमेंट है एस्टेब्लिशमेंट ने किया है तो उसके जो क्लेम प्रोसेस का जो डेडलाइन रखी गई है वो 30 सितंबर 2023 रखी गई है, उसके बाद में इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि ज़्यादातर एस्टेब्लिशमेंट को पता नहीं है कि उनका क्लेम का रिम्बर्समेंट कैसे होता है, तो ये NAPS पोर्टल के ऊपर आप जैसे जाओगे उसमें लॉगिन करना है, फिर आपको वहाँ पे क्लेम रिम्बर्समेंट का ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें जाके आपको मंथ वाइज जो पेरोल है उसको भरना है, उसके बाद में आपको क्लेम सबमिट करना होगा, उसके बाद में आपको जो AA DGT के द्वारा उसकी जाँच की जाएगी उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद में क्लेम प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।